समर्पण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश श्रीमती बीना बड़जातिया श्री सुरेश कुमार श्रीमती तारा बड़जातिया श्री पीयूष श्रीमती पल्लविका बड़जातिया श्री सिद्धार्थ श्रीमती मीनू बड़जातिया श्री आतिश श्रीमती चांदनी बड़जातिया आयुष निलय सिद्धि एवं समस्त बड़जातिया परिवार अहमदाबाद भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले सरला जैन कानपुर संदीप जैन निधि जैन राजीव जैन स्वाति जैन कुणाल जैन स्नेहा जैन पारुल जैन धार्मिक निर्जरा सहज शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार श्रीमती सरोज श्री सुनील प्रतीक जैन अंशिका जैन अंकित एवं खुशबू पटौती फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन जिस परिसर पे हम खड़े हैं राठी धर्मकांटा अमर बिल्डर्स श्री महेंद्र जी राठी परिवार का है तालियां बजाकर एक बार अभिनंदन कर दीजिए। देखिए सौभाग्य कैसे मिलता है। राठी परिवार की श्रद्धा आचार भगवान के चरणों में ऐसी जुड़ी कि हमें पता भी नहीं था। आप चंद्रगिरी पूरे परिवार सहित 2-3 बार दर्शन के लिए आए और श्रद्धा ऐसी उमड़ी कि आचार भगवान खुद चलकर इस परिसर में आ गए। तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए महेंद्र जी राठी परिवार, राघव जी राठी, सुमन जी राठी परिवार और साथ में सहयोगी डॉक्टर गौतम जी, रश्मि गौतम जी, जयचंद भैया के सम्मान में भी तालियां। और शारदा जी जैन, सुरभि जी जैन, दिशी जी जैन, संतोष राठी जी, दुर्गा राठी जी, भगवान दास जी राठी, लीला राठी जी, रमेश गोगड़ जी, जैन संघ अध्यक्ष साजा के हैं कमलेश भैया, रेखा भैया, संकल्प जी और पुखराज जी दुग्गड़, इन सभी का तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और मैं चाहता हूँ कि आज के श्री विजय कुमार जी पधारे हैं, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और पूरे समाज के प्रतिनिधि के रूप में आपके अध्यक्ष महोदय और विजय कुमार जी जैन जो भी पधारे हो सिमगा से आप आ जाएं, आचार भवन के सत्संग कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सिमगा जन्म दुख मेट दो जिन वाणी जग मैया, जन्म मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख। ध्रुव जैन समाज से हमारे स्वागताध्यक्ष टिब्बू भैया, सुरेश भैया, राजकुमार कोई अपना नाम लिखाना चाहता है तो वो लिखा सकता है, अपने उनके भी नामों की घोषणा होती चाहिए। और गायन के लिए मैं दीदियों से निवेदन करता हूँ शीघ्रता से पूजन प्रारंभ करें। शरण सी शोभा दिखती है जिनके, शरण सी शोभा दिखती है जिनके दरबार में, जिनके चरणों को छूकर रज भी बन जाती, रज भी बन जाती है चंदन, महावीर के लघुनंदन, गुरुवर को बारंबार नमन। वंदे विद्या सागरम वंदे विद्या सागर में हम झुका रहे अपना मान, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगा, जैन आगम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कल। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्रा अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव वसत सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल शुद्धों ने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। आया चंदन समशीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम भीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। ने ते भव और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से कमल भी खिल जाए। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षत प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति।
इन विषय भूत करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मगन विजेता बन न सके यह गाँव जय में लाया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। अभक्त बचे फिर भी मन जप्त नहीं कर पाया। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह मंत्र बोध जगाऊंगा। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बच पचताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था। तब पाप कर्म तर्पुण कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब बदले में। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोग आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। मैं ही अभ्यस्तरा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दस्ता। मेरा पर से क्या नाता कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। आयु हो आप चिरायु हो हम सबकी आयु लग जाए। आप शतायु हो आप शतायु हो शाश्वत चारों धाम एक तीर्थ विद्या सागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति एक सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय साक्षात कोदवा के इस नगर ग्राम में उपस्थित आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब साहूणम। कुंडरपुर के बड़े बाबा की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मूक माटी रचित आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की पूजन व्यापक मुनि श्री समय सागर जी उपसागर जी नियम सागर जी सुधा सागर समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की अष्टानिका महापर्व की परे मोक्ष हेतु सभी ने सुना पड़ा होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी का यह सूत्र है तत्ता सूत्र में परे मोक्ष हेतु मतलब जो बात के दोनों हैं मोक्ष के कारण हैं। इसका मतलब जो पहले के वो किसके कारण कहला गए संसार के कारण कहला गए। बात चल रही है ध्यान की हमें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जीव को हमेशा ध्यान रहता है। अब कोई भी ध्यान हो सकता है जो मोक्ष के कारण है वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। जो संसार के कारण है वो आत्म ध्यान और रज ध्यान है। सभी जानते हैं सब ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप लोग। हाँ तो ध्यान की बात चल रही है तो मोक्ष के कारण क्या है और संसार के कारण क्या है दोनों के हेतु कौन से हैं ये ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान तो रहता महाराज जी लेकिन ध्यान हट जाता है
तो आत्म ध्यान और रोज ध्यान ये जो संसार के कारण है। अब आत्म ध्यान किसी कहते हैं, कौन से कहलाते हैं, सामायिक पाठ में पढ़ते ना, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हे सभी है विषय वासना उपाधे निर्मल आत्म। तो हमारी जो आत्मा है, जो जीव तत्व है, वही उपाधे है, बाकी सभी तो हे है। हे कौन से हैं? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। क्यों हे है? क्योंकि आत्म ध्यान है और ये संसार के कारण है। तो उन आत्म ध्यानों को रोकने का उपाय क्या है? अब इष्ट का वियोग क्या कहलाता है? जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमें पसंद है, उसका यदि वियोग हो जाता है तो हमको आत्म ध्यान होने लगता है। अनिष्ट संयोग क्या कहलाता है? कि जिसको हम चाहते नहीं है, जो पसंद नहीं करते हैं, वो हमको प्राप्त मिल जाती है, अरे अलग हो जाए, हट जाए, हमारे नेत्रों से, सामने से हट जाओ। जिसको हम पसंद करते हैं, उसकी कमियों को भूल जाते हैं। जिसको हम पसंद करते चाहते ना, उसकी हम कमियों को भूल जाते हैं। जिनको हम ना पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। एक कमी कहला गई हमारी। जिसको हम चाहते अच्छे हैं, वो कोई भी गलत काम भी करता रहेगा, हम उसको अनदेखा कर देंगे, क्योंकि हम उसको चाहते हैं। और जिसको हम चाहते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा भी उसकी अच्छाई भी हम बोल सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पसंद नहीं है वो व्यक्ति। ये हमारी कमी कहला गई। इष्ट वियोग कि हम नहीं चाह रहे, जो हम जिसको हम चाह रहे थे, वह चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे मित्र हों, यदि उनका मरण आदि हो जाता है तो हम कितनी आकुलता व्याकुलता होती रहती है। उस समय ये आधन कहलाता है, उस वक्त पाप का कारण होता है, संसार का बंध का कारण हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि धर्म ध्यान करें। धर्म ध्यान क्या कहलाता है? कि भगवान की स्तुति पूजन आराधना करें, जिनवाणी का श्रवण करें, परोपकार करें, गुरु की स्तुति आराधना करें, ये धर्म ध्यान है। माला फेरें, विधान करें, सब धर्म ध्यान के साधन है। तो धर्म ध्यान बहुत ही सरल है। आचार्य से किसने पूछा कि धर्म किसे कहते हैं, तो गुरु महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण दी, परिभाषा दी उसके लिए, एक लाइन बता दिया कि जो आज तक आपने किया नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसी का नाम धर्म है। यदि हमने जब से जीव है तब से धर्म किया होता, हम क्यों भटकते रहे संसार सागर में? तो हमने आज तक वह किया नहीं है, हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम उससे दूर हैं और संसार के कारण के उपनाते हुए संसार में घूम रहे हैं। परे मोक्ष हेतु, इसलिए मोक्ष जो कारण है वह धर्म ध्यान ही है। एक जगह लिखा था कि धर्म साधु की संगति से होता है, सज्जनों की संगत से होता है, अच्छे कार्य करने से होता है। तो एक जगह लिखा हुआ था कि यदि मान लो साधु का साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है? दिन मंगल हो जाता है। साधु का साथ मिल जाता है तो दिन मंगल हो जाता है, और यदि साधु से फरियाद कर ली तो मन मंगल हो जाता है। और यदि साधु के संतों के चरण स्पर्श कर लिए तो हमारा तन मंगल हो जाता है। हम आज तो बड़े प्रसन्न हो गए, आज हमको ऐसा सौभाग्य मिल गया। और यदि साधु की शरण में आ गए तो चेतन मंगल हो जाता है, ये आत्मा मंगल हो जाता है। और यदि साधु के इसके लिए आवश्यक हम धर्म ध्यान करते रहे जो कि मोक्ष का कारण बनता है। एक कथानक आपने सुना होगा, आपको बता देते हैं कि वह विप्र परिवार से था, इतनी आय वगैरह नहीं होती थी घर का खर्च चल सके, सभी जगह भिक्षा मांगता था। परिवार में धर्म पत्नी भी थी, बेटे भी थे, उसको बड़ी दिक्कत आती थी कि सब जगह भिक्षा के लिए जाना पड़ता है और परेशानी होती है। यदि कोरोना वगैरह ऐसा माहौल बन जाता है और कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो लोग अपनी चिंता रहती है, पर की चिंता तो रहती नहीं है, ऐसी स्थिति में भीख भी मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, भिक्षा मिलना। उसने सोचा ये वो लोग परेशानी होती है
क्यों ना ऐसा किया जावे कि चल करके राजा के सामने मांग लिया जावे। राजा तो राजा होता है, उसमें सब काफी वैभव होता है, उदार भी होते हैं, तो सबके लिए देते हैं, हमको उसे मिल जाएगा तो हमारा परिवार का कल्याण हो जाएगा। इस भावना से वह सोच करके जाता है कौन सा दिन चुने अच्छा करें। उन्हें दशहरा का दिन आने वाला है, कल दशहरा का दिन आने वाला है, तो कल अपन चलकर वहां पर जाएंगे, राजा से मांगेंगे तो राजा हमको कुछ ना कुछ अच्छी सामग्री दे देगा, कई दिन से हमारा खर्चा पानी निकल आएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ थैली में सामान दे देना, वहां राजा के पास जाना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अब राजा ने राजा को राजा वहां से रस्से आ रहा था, सही देखो राजा ने सोचा आज दशहरा का दिन है, अब मुझको जो सबसे पहले मिल जाएगा मैं उससे कुछ ना कुछ मांग लूंगा अपने राज्य के लिए, इसे जितने भी प्रजाजन है उनके कल्याण के लिए, जो भी हमको मिल जाएगा, साधु संत मिल जाएगा, जो व्यक्ति मिल जाएगा हम उससे भीख मांग लेंगे कि हमको दे दो, तो मेरी इसमें मान कसाई भी कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि हमको कुछ अच्छा मिल जाएगा, आज दशहरा का दिन है। अब यहाँ से वह जो विप्र था, जो काफी गरीबी में अपने दिन काट रहा था, यहाँ से जाना उसका होता है, वहां से रस पर राजा का आना हो जाता है। अब वह सोचता है, विप्र सोचता है, अरे आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है, मेरा दिन तो आज मंगल हो गया, क्योंकि सामने से राजा स्वयं आ रहे हैं। और यहाँ पर राजा आ रहा था, सोचे सामने से ब्राह्मण आ रहे हैं, ब्राह्मण पूज्य अच्छे होते हैं, अपनी अपनी मान्यता रहती है ना, यार अच्छा इनके पास कुछ मांगेंगे, ये सबको आशीर्वाद देते, संत जैसे दिख रहे हैं कि झोली टांगे हुए थे, भिक्षा के हिसाब से चल रहे थे, जा रहे थे, इनसे कुछ मांगेंगे, जो भी हमको देंगे ये हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अब वहां से राजा का आना हो रहा, यहाँ से विप्र का जाना आना हो रहा है। जब वहां पर देखा तो राजा ने कहा कि अपने रथ से उतर गया और विप्र को प्रणाम करके बोला कि हे विप्र आप मुझको दे दीजिए। विप्र सोचता है ये तो उल्टा हो गया, मैं तो इनसे मांगने के लिए जा रहा था, मैं इनसे तो मांगने जा रहा था, ये हमसे खुद मांग रहा है, हमसे खुद मांग रहे हैं, अब कोई बात नहीं, इन्हें मांगा है तो मैं भी इनको दे दूंगा। अब उसने अपने थैली में झोली जो टांगा हुआ था हाथ डाला, उसकी पत्नी ने उसके लिए रास्ते के लिए दो मिट्टी चावल दे दिए थे। चलो इसको कुछ तो मांग रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है, मैं इनके पास लेने जा रहा था, जो हमसे उल्टा मांग रहे हैं। अब देखो कैसा ध्यान चल रहा, आज और ध्यान कैसे चलता है हम आपको बता रहे हैं। अब उस हिसाब से उसने कहा चलो एक मुट्ठी इनको दे देते हैं, अरे फिर हम खाएंगे क्या, कैसे हम हमारा काम चलेगा, इधर राजा है, कमी क्या बढ़ी हुई है। अब राजा हाथ जोड़ खड़ा कि मुझे कुछ दे दीजिए, उसने झोली से मुट्ठी खोल के आग निकाली और धीरे धीरे खुलता गया, जितना चावल गिर जाए उतना अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसा करते करते उसने पूरा खोल दिया और उसने हाथ निकाला, उसके हाथ में एक चावल का दाना फंसा हुआ था, वो भी उसने बड़े मन में संकोच करते हुए और बहुत ही आधन करते हुए कि कैसे दे दूं, कैसे दे दूं, मैं तो उसे मांगने आया था, हम उसे मांग रहा, उल्टा हो रहा है। तब भी उसने बड़े मन मार करके उसे कहना चाहिए ना, ऐसा दान ऐसा कभी नहीं करना, दान में उत्साह रखना चाहिए, विधि द्रव्य दाति पात्र विशेषा तद विशेषा, दान करने में सब विशेषताएं आती जाती हैं। अब उसने एक दाना जो हाथ में उंगली में चिपक गया था उसी को दे दिया, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मुझको सुबह से किसी ने मुझको तो दे दिया, और उस दाना को लेकर के राजन वापस हो गया और उसने कहा कि मैं ये बड़ा बहुमूल्य वस्तु है, और उसने उसके अपने राजभंडार में राजकोष से ना उसको सुरक्षित रख दिया। अब उसके अंदर की भावना जो कितनी अच्छी थी कि वहां पर, अब यहाँ पर मैं सोचते कि मुझको मिला तो कुछ नहीं है और पास का एक दाना भी चला गया है, लेने आए थे क्या बोलते चौबे जी आए, हाँ ऐसा हो गया कि हम इनसे मांगने आए थे, पास का गांठ का एक दाना और चला, साथ में भी चला गया। वो वापस आता है, कहता है कि आज तो कुछ सामग्री मिली नहीं और पास का दाना चला गया,
अब चलो कृष्ण की पत्नी जो जो सामान तुम हमको दिया था इसी को बना करके अपन इसका उपयोग करते हैं। उसने चावल को पूरा उड़ेल दिया, उसमें देखा कि पूरे चावल चावल ही थे, उसमें एक दाना सोने का चावल बन गया था, एक दाना सोने चावल बन गया था। सोने कैसे बन गया? अरे मैंने राजन को एक दाना दिया था, अब यहाँ पर फिर राजन फिर चालू हो गया। अरे कि मेरी किस्मत खराब हो गई, मैं आज ही उनके लिए पूरा एक मुट्ठी दे देता, मेरी मुट्ठी पूरी सोने की बन जाती चावल की। अब यहाँ उसका आजान चल रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे पास का चला गया, एक दाना मिला उसको सोने का, प्रसन्न नहीं हो रहा उसमें, और इतना नहीं बन पाया इसमें वह अप्रसन्न हो रहा है। और वहां पर राजन को एक दाना मिलता है, प्रसन्न हो जाता है, वह अपने राजकोष में रखता है, उस कारण से उसकी और समृद्धि, क्योंकि उसकी भावना कितनी अच्छी थी। ये भावना से ही आध्यान और ध्यान होते हैं, और भावना से ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। तो इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, तो हमारे साथ कुछ चीज छूट जाती है, हम आकुल व्याकुल हो लेते हैं, और व्याकुलता का फल व्याकुलता है। इसलिए उपाधेय हमारी आत्मा है, तो मैं उपाधेय निर्मल आत्म है ना, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क तड़ टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। हे प्रभु, क्योंकि अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, सिद्धों की आराधना का प्रसंग चल रहा है, हम सिद्धों की आराधना पूजन करके भावना भाते रहे कि भगवान जैसा आपने पद प्राप्त किया हम भी प्राप्त करें, और हम आत्मध्यान और ध्यान से बचते हुए, क्योंकि जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, ये मोह की परिणति है। इसलिए मोह को एकदम अलग तो नहीं कर सकते हैं, उसको हम कम तो कर सकते हैं। मोह कम करने का तरीका एक ही है कि धर्म ध्यान किया जावे, जो कि परे मोक्ष हेतु मोक्ष का कारण है। आत्मध्यान और ध्यान से हम बचते रहे, पता नहीं कब टिकट कट जाए, भरोसा नहीं है, इसलिए सोना नहीं है, हमेशा जागते रहना है। और यहाँ का पुण्य है, कौन सा गांव है, कुदवा कहलाता है ना, कुदवा कहलाता है ना, यहाँ सभी जितने भी श्रावक लोग आए हुए हैं और काफी अजन सभी लोग हैं जो कि प्रभु की भक्ति आराधना करते रहते हैं, तो गुरु महाराज जी आए हैं, हम सबको जगाने के लिए आए हैं कि हमारी टिकट भी जल्दी ना कट जाए और अच्छे से कटे, ताकि हमको सबको लिए आगे स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा हमारी चलती रहे। परे मोक्ष हेतु बोलिए अहिंसा परमो धर्म, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रहें, जो तेरु शरणा गई सो पावे। ओम नमः दिव्य, ओम नमः दिव्य, ओम नमः दिव्य, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आत्मा का लक्षण उपयोग का उपयोग के अभाव में हम कभी भी आत्मा की खोज नहीं कर सकते। दुनिया के सारे यंत्र मिल जाए तो भी आत्मा को पाने की कोई क्षमता उसके पास नहीं। हम किसी वस्तु को आत्मा कह करके बोल भी नहीं सकते जिसके अभाव में। उसको उपयोग कहा है। उपयोग तो कीट पतंगों में भी है, किंतु मनुष्य अथवा जिसके पास संगीपन है, मन है, वही कथनचित पहचान सकता है। हमें
आत्मा को देख करके दूसरे के सामने इसको परिचय के लिए रखना, ये हमारा अविवेक माना जाएगा। हमें अपने आप को पहचानना है तो वह इसलिए पहचानना कि हम अन्य पदार्थों से हट करके अपना जीवन व्यतीत करें। आप लोग जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, जीवन अतीत भी हो रहा है, भविष्य सामने भी खड़ा है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। उपयोग के माध्यम से हम आत्मा को जान भी लेते हैं किंतु उसे पा नहीं सकते। जानना अलग है और पाना अलग है, इसलिए अब उस ज्ञान की भी मुझे इच्छा नहीं लगती, क्योंकि उसके माध्यम से मैं जब तक अन्य पदार्थों से अपने आप को अपनी ओर लाऊं ला सकता हूं, तो मात्र मेरी वह निदृढ़ निश्चय ही एकमात्र कारण। इसलिए आपको अपने आप को पाना है तो दूसरे की चिंता पहले न करिए, क्योंकि आप जैसे अपने आप को भूल करके दूसरे की चिंता कर रहे हैं, सभी दूसरे की ही चिंता में हैं। अपने आप के कारण किसी को चिंता होती नहीं और आँखों में पानी नहीं आता। मैं उस आँखों के पानी को पहचानना चाहता हूँ, वह एक पात्र अपने लिए है। हाँ, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए वह बार बार कहता मैं बहुत दुखी हूँ, उसके लिए भी मैं उसके दुख को, उसके उस वेदना को दूर करने के लिए मैं कहाँ सक्षम हूँ, ऐसा थोड़ा सा भी सोचता हूँ तो उसके दुख में अनुपात में कमी आ जाएगी। यदि आप ये करना चाहते हैं, करते हैं, बहुत बहुत ही बड़ा काम हो गया आपका। हम अपने लिए भी रोवे, अपने आप की उपलब्धि नहीं हो पा रही इसलिए प्रभु के सामने, और मैं दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वह चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऐसा नहीं, दो आंसू तो हम वहाँ पर छोड़ सकते। ज्ञान बहुत चिल्लाता है, मैं जानने वाला हूं। ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर, चाहे अपने ऊपर आपत्ति आए या दूसरे के ऊपर आपत्ति हो, ज्ञान चिल्लाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को कभी चाहूंगा नहीं। ध्यान तो अवश्य चाहूंगा, लेकिन उस ज्ञान को मैं कभी नहीं चाहूंगा। और ऐसे ज्ञान को रखने वाले ज्ञानियों से भी मैं दूर से ही किनारा हो करके चले जाऊं भगवान, ताकि मेरा गलत असर उनके ऊपर न पड़े।
उसकी वो कृपा है, तो हाँ आप पहचान कर लीजिए, कोई बात नहीं। बताओ, यह एक चालनी चालनी है और कुएं में उसको छोड़ दिया गया है और डोर रस्सी बंधी है उसमें जैसे तिपाई जैसी। अब इस चालनी को पानी से भर दो नीचे कुएं में और उसके बाद उसको उस रस्सी से खींचते खींचते ऊपर तक पानी ले आओ और मुझे पिला दो, तो मैं आस्था की हमेशा हमेशा सेवा करूंगा और ज्ञान मेरे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इच्छा क्या कहते हो, इसमें तो फेल हो जाओगे। फेल नहीं हूंगा, उत्तीर्ण नहीं भी हूं, किंतु मैं अवश्य अनुत्तीर्ण होऊंगा लेकिन फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि इंग्लिश लोग फेल हो गए हैं और भले ही भारतीय अनुत्तीर्ण कुछ रह गए, उत्तीर्ण तो हो गए उनके सहारे से सारे सारे, वो भी तिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ, खींचने लगा वो, खींचने लगा तो देखने लगा वो जिसने ये चालनी को भेजी, उसमें से एक बूंद भी नहीं गिर रहा। क्या हो रहा है, ये जादू कर रहा है। विज्ञान के पास जादू आ भी नहीं सकता और धर्म जादू को कभी अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि जादू तो जादू है, जादूगर आता है, वह धरती के ऊपर से मिट्टी लेता है, फूंकता है और कलदार तीन चार बन गिरा देता है रुपया। कोई एक व्यक्ति कहता है, अरे मिट्टी को भी चांदी के सिक्के बना रहे हो आप, धन्य भारत, तो बिल्कुल अब सोने का चिड़िया बन जाएगा। नहीं बनेगा, जादूगर से आज तक कोई भी देश उन्नत नहीं हुआ। आपको दिखा रहा है बिल्कुल इतने, हाँ है, यदि वह कलदार रुपया होते तो मैं दद्दा अठन्नी दे दो। सेठ जी आप भूल गए, अठन्नी चवन्नी दे दो, चारने में भी काम चला दूंगा। इस प्रकार वह अपनी जादूगर दिखा करके अंत में ऐसा, अपने पास धर्म और आस्था है ये ऐसा नहीं मांगता। अब देखो ऊपर ले आए उसको, ये कैसी बात है, एक बूंद भी नहीं गिरी। देख लो वहां पर एक बूंद है क्या, नहीं देखता है तो बूंद भी नहीं। वो पानी कहाँ गया, वह पानी आस्था के प्रभाव से बर्फ बन गया। ये आस्था की बात है। आकर के पालटी मार करके बैठ गए आप लोग, धन्य है आप लोग कम से कम इस वक्तव्य को सुन लिया। बड़ी कृपा होगी जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ वहाँ पर भी इसको सुना देना और अवश्य ही आचार संहिता में जो प्रचार प्रचार में लगे हैं उनके कानों तक भी ये चले जाए तो मैं अच्छा समझूंगा, ताकि आस्था की बात आज कम से कम आज सुनने के लिए तो लोग तैयार हैं।
आस्था को भी मैं कहता हूँ कि इनके दिमाग थोड़े से फिर जाए। लो महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? इनका दिमाग फिर गया है, ये दिमाग इनका दिमाग फिर गया। फिरने का अर्थ यह है जिस ओर आपकी दृष्टि है उस दृष्टि से हट करके ज्ञान के लिए आज विदेश तक पहुंच रहे हैं, अरबों खरबों का खर्च हो रहा है। यदि उसको भारत में जनहित कल्याण में लगा दो तो मैं समझूंगा आपके पास कुछ अंश से आस्था का भी प्रभाव पड़ा है और आप रास्ते पर अवश्य ही आ जाएंगे। आवे इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद, भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।